प्यार नहीं करती हमसे? नहीं करती, नहीं करते मेरे, एक तुझ पे भरोसा है। आपको शादी करानी है ना अपनी बेटी की? इनसे बोलो इनके घर वालों से बात करो। बेटी को ब्रेन ट्यूमर हुआ है और माँ को कैंसर है। और ये आईडी ना बना मत, इनके लिए ज्यादा बुरा लग रहा है ना। जाओ करो इनकी बेटी से शादी, तुम जाओ। बोल रहे ना शांति, क्या समझ रखे आप? जय बाबा जी की दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों मैं संजना करौतिया। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग के टीम में इतना ना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है मौसी की वजह से कि ना हम किसी के मैसेजेस रिसीव कर पा रहे हैं और ना ही किसी की हेल्प कर पा रहे हैं। तो आज कल रात, मतलब बहुत दिनों बाद एक लड़की से मेरी बात हुई। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, रो रही थी बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, कह रही मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है दीदी, मैं मतलब बिहार में रहती हूँ, मैं आ रही हूँ यहाँ पर, और वो आ चुकी है तो मेरे से बोल रही है कि मेरे से मिल लो एक बार। तो मैंने उसको मिलने के लिए तो बुला लिया। देखिए आप लोग हैं तो हम लोग हैं, ठीक है? तो आप लोगों की अगर हेल्प नहीं कर पा रहे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है हमारे इस काम को करने का। तो उसको बुला लिया है वैसे तो मिलने के लिए मैंने, लेकिन उसने पता नहीं क्यों मेरे से ऐसे बोला कि दीदी अगर आप मेरे से मिलने आ रहे हो ना तो प्लीज़ कैमरा मत लगवाना। तो मैं उसकी ये बात सुन के कन्फ्यूज़ हो गई, क्योंकि देखो आपको पता है कि आपके पीठ पीछे कुछ करते नहीं हैं। अब वो एक लड़की बिहार से आ रही है तो मेरे को तो नहीं पता ना कि उसका मतलब नेचुरली बिहेव कैसा होगा मेरे साथ। देखो फ़ोन पे तो कोई भी कैसी भी बात कर सकता है, लेकिन अब वो मेरे से पर्सनली मिल रही है तो मेरे को उस पर भरोसा तो होना चाहिए। इस वजह से मैंने कैमरा लगवा लिया है। बाकी वो आती है तो बात करते हैं। आज ज़्यादा कुछ उसने बताया नहीं है, बस उसने इतना बोला है मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं है, पापा हैं नहीं उसके। तो देखिए अगर पैसों से कोई हेल्प हो जाएगी तो मैं पैसों से हेल्प करूँगी, ज़्यादा तो लाई नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जितना हो सकेगा मैं करूँगी। बाकी उसके आने तक का वेट करते हैं। आती है तो तुम स्टार्ट करना प्रिंस कैमरा। क्या समझ रखा है आपने आपको? हैं? क्या समझती है अपने आपको? आंटी आप यहाँ पे कैसे? कैसे? मैंने दूसरे अपनी आईडी बनाई है और उससे तेरा कांटेक्ट निकाल के तब आई हूँ मैं यहाँ पे। तूने समझ क्या रखा है अपने आपको? इतने तुझे फोन किए, मैसेज किए, उठाती नहीं फोन, क्या है क्या? एक फोन करके बोला था, मैं उस समय बिजी थी। बिजी थी तो वापस कॉल नहीं कर सकती थी? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा क्या कर रहे हो। जो परेशान होता है ना, जिसको जरूरत होती है, वो कहीं ना एक मिनट पहले आप इतना लाउड क्यों बात कर रहे हो मेरे से? क्यों नहीं करूंगी ये बताओ, क्यों कर रहे हो बताओगे? नहीं करूंगी लाउड तुमसे। मैंने क्या किया आपके साथ ऐसा जो मेरे से लाउड बात कर रहे हो आप? मैंने तुम्हारी और प्रकाश की वो देखी थी आईडी और मैं नीचे गई। मैंने एक दिन तुमसे पूछा था वहाँ पे कि तुम्हारा और प्रकाश का कोई मतलब है रिलेशन में, तुमने बोला कि नहीं मेरा। हाँ तो जब नहीं है तो मना ही करूंगी। अगर मैं अपनी बेटी का और प्रकाश का रिश्ता चाहती तो तेरे को क्या दिक्कत है ये बताना तू। देखो आंटी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको बात करनी है ना तो उनके घर वालों से जाके करो। उनके घर वालों से क्या मतलब? आपका कोई यहाँ पे राज नहीं चल रहा है कि आपका जो मन करेगा आप वो कराओगे? नहीं राज का क्या मतलब हो गया? मैं तो अपनी जिंदगी में वैसे ही इतना परेशान हूँ और इतना दुखी हूँ, इतने परेशान हूँ मैं अपने पति से। आपको पता है ना आपने कि कितना स्ट्रगल किया है आपने, ये 19-20 साल आपने कैसे बिताए हैं, कैसे अपनी बेटी को पढ़ाया है लिखाया है, जानते हो ना आप खुद। अब ये सुना के मुझे ना इमोशनल ब्लैकमेल मत करो कि कितना पढ़ाया लिखा है। ये समझ नहीं आ रहा कि आप मुझ पे चिल्ला क्यों रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ दिया आपका? नहीं मैंने अगर राज उसके प्रकाश के साथ सोच लिया अपनी बेटी का रिश्ता करना या उसकी शादी करनी, तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? जब इसीलिए मैंने तुमसे पहले पूछा था ना कि तुम्हारा और प्रकाश का कोई रिश्ता था। तो जब नहीं है तो नहीं है, तो तुम फिर मतलब जब नहीं है तो जब मैं अभी उसकी करना चाहती हूँ तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? तुम क्या बीच में आ रही हो? आपकी लड़की का बॉयफ्रेंड है ना? बॉयफ्रेंड है वो, मैं संभाल लूंगी। तो कल को दिक्कत है? अच्छा कल को वो उनसे बात कर रही है तो क्या होगा? कल को बात करे ना करे वो मेरी बेटी है, मैं जानू। प्रकाश जी की जिंदगी खराब नहीं होगी? क्यों होगी प्रकाश की? अच्छा अगर मान लो कि इन फ्यूचर वो उनकी वाइफ बन जाती है और वो किसी पराए मर्द से बात करे तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा? ऐसे कैसे बन वो किसी और की? अच्छा इतनी दूध की धुली हुई है आपकी लड़की? तो मुझे अपनी बच्ची का पता है, मेरी बच्ची अगर इतनी ही अच्छी होती ना तो अपने भाई से नहीं रंग रलियां मना रही होती। अगर उसको भाई का पता होता 20 साल से उसको पता नहीं था वो उसका भाई है, ये 20 साल बाद ये बात निकली कि उसका भाई है। अब इसमें कौन क्या कर सकता है? मुझ पे चिल्लाने वाली क्या बात है यहाँ पे? मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हो यहाँ के आप? उसकी शादी करना चाहती हूँ प्रकाश की और अपनी बेटी, तुम्हें क्या दिक्कत है, परेशानी ये बताओ ना मुझे, तुम क्यों बीच में आ रही हो, तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं क्यों बीच में आऊंगी आप बताओगे? मैं तो नहीं आ रही बीच में। तो जब बीच में नहीं आ रही तो जब मैं उनकी करना चाहती हूँ तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है?
तुम क्यों मना कर रही हो कि नहीं आंटी, जब मैंने तुम्हें बोला। देखो आंटी, हर चीज का ना एक तरीका होता है। अगर आप इतना ही चाहते हो ना तो जाके उनके घर वालों से बात करो, नॉर्मल उनसे बात करो। आप मेरे को बुला के कह रहे हो तुम्हारा कोई चक्कर तो नहीं है या फिर तुम प्यार तो नहीं करती, ये आपके बात करने का तरीका है? तो कोई छोटी बच्ची तो हो नहीं। तुमसे पहले कंफर्म किया था ना कि तुम्हारा कोई उसके साथ रिलेशन है तो नहीं, तुमने कहा नहीं। नहीं। तो जब मैं उसे करना चाहती हूँ तो तुम्हें क्यों दिक्कत है? वो नहीं करना चाहते, वो नहीं करना चाहते, वो करेगा या नहीं करेगा। तुम क्यों बीच में आ रही हो, तुम्हें क्या परेशानी है? या तो फिर तुम उससे प्यार करती हो, अपना मान लो कि तुम करती हो। ऐसा लगता है कि आप ना, आपकी उम्र बहुत हो गई है। अच्छा हाँ, तो आप मतलब सठिया मैं अपनी बच्चे के बारे में सोच रही हूँ तो मेरी उम्र हो गई है, मैं सठिया गई हूँ, मैं पागल हो गई हूँ, है ना? तुम्हारा कहने का यही मतलब लग रहा है। ओहो देखो मैं ना, आप बहुत बड़े हो मेरे से, मैं आपकी इज्जत, पहले तो सारी बातें छोड़ो, आप मेरे को ये बताओ कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ? मैंने अपनी जो आईडी बनाई ना दूसरी आईडी से, मैंने तुमसे ही फोन करके पूछा कि तुम कहाँ पर हो, तभी मैं यहाँ पर पहुँची। अच्छा मतलब वो जो बिहार से लड़की आने वाली है? हाँ, वो आपने क्या, आपकी आईडी थी? हाँ जी, मैंने बनाई नई आईडी। कितनी घटिया हरकत आप कर सकते हो? क्या घटिया हरकत? क्यों क्या घटिया? नॉर्मल वैसे बोला नहीं जा रहा था, मिलना था तो। जब तुम फोन, मेरे को डर पड़ रहा है, मेरे को डर पड़ रहा है ना। डर नहीं पड़ रहा, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? मैंने इतनी बार तुम्हें, जब आप इतनी मेरे से लाउड बात कर रहे हो तो मैं क्यों फोन उठाऊं आपका? आपकी बात करने की तमीज है कि लाउड तो मैं आप कर रही हूं ना, फोन पे थोड़ी लाउड करती मैं। अच्छा तुमने फोन उठाया मेरा? एक बार उठाया था ना, तो एक बार उठाया, तुमने बताया कि तुम कहां पे हो, मतलब मुझे परेशान करना चाहती हो। अच्छा सारी, अगर मैं बिजी हूं तो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगी? तो क्यों नहीं बताओगी, एक बार तो बता सकती। देखो आंटी, आप काम से काम रखो, जितनी हेल्प हो सकती थी ना हम कर चुके हैं आपकी, ठीक है? आप लोगों ने तो हमें ही फंसा दिया है। क्या फंसा दिया मैंने तुम्हें? हमारी जिंदगी खराब हो जाती है, हम नहीं सोचते क्या? तो आप लोगों की हेल्प कर करके हमें बुरा नहीं लगता क्या, अगर हम किसी को उल्टा बोले तो? ए लड़की, जुबान पर लगाम दे अपनी, समझ गई? लगाम दे, छटांग भर की लड़की नहीं, जुबान मत चला रही, हाथ भर की। जब तेरे से पहले बोला था मैंने अपनी बच्ची की प्रकाश से शादी करनी है, तो तेरे को क्यों दिक्कत है भाई? तू क्यों तो जाओ कराओ ना जाके, मैं नहीं रोक रही, जाओ कराओ जाके, जाओ ना। प्रकाश के और मेरी बेटी के बीच में आने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। मैं क्यों बीच में आती, क्या लग रहे हैं वो मेरे या आपकी बेटी? क्या जब मैंने बोला उसे बात करा दे, मैं अपनी बच्ची की शादी करूं, बात जाके क्यों दिक्कत? देखो सबसे पहली बात तो आपका कॉन्टेक्ट उनसे हुआ है ना, तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हो जाके, मेरे को बीच में घसीटने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी हेल्प नहीं हो सकती तुमसे? तुम तो इग्नोर मार रही हो। हेल्प करूं मैं आपकी? सारे मतलब जितने भी लोग हैं सारे आपकी हेल्प करने लग जाएं, और कोई काम नहीं है किसी के पास, एक जना कर रहा है ना आपकी हेल्प, बहुत है इतना ही। एक जना हेल्प कर रहा है तो मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हारा तो बीच में कोई रोल नहीं है ना, ताकि कल को तुम उठ के ये ना कहो कि भाई इससे तो मैं प्यार करती हूं आंटी, आपने अपनी बच्ची की शादी कर दी इससे। मैं तो नहीं करती प्यार, मैं क्यों प्यार करूंगी, मेरे दोस्त हैं वो। तो क्यों इग्नोर मार रही थी? मुझे फोन उठाती, मुझे बुलाती, मैं आती क्यों ऐसी, मतलब कोई नौबत ही ना आती? आपने एक बार चिल्ला दिया ना मेरे पे, उसके बाद से मैंने फोन नहीं उठाया। ओ, आपका वे ऑफ टॉकिंग देखा मैंने कि कितने अच्छे से बात कर रहे थे आप, देखना नहीं होता ना कि मतलब कोई इंसान कहीं आया हुआ है या किसी के साथ हो। मैं तो ऑलरेडी पहले से परेशान हूँ, तुम आज मुझे परेशान कर रही हो, मेरी जिंदगी में पहले टेंशन है कम है, जो और तुमने मेरी टेंशन बढ़ा दी। मैं तो आपको कोई परेशान नहीं कर रही, मैं तो अपने पति से अपनी जिंदगी से इतना परेशान हूँ, इतनी दुखी हो चुकी हूँ मैं, मतलब क्या कहूँ तुम्हें। और तुम ऐसी लड़की हो कि तुम्हें एक बार हेल्प के लिए बोला तुमने तो फोन ही नहीं उठाया, हद है। क्या हेल्प करूं? देखो आप आंटी, अगर आप ये चाह रहे हो ना, देखो मेरी बात नॉर्मली सुनो, चाह रहे हो ना तो उनके घर वालों से जाके बात करो, उनसे बात करो नॉर्मल, ठीक है? मेरे से बोलने का कोई वो नहीं। और आप ये चाह रहे हो ना, तो अगर आप ये सोच रहे हो, आपको घर से क्यों निकाला गया? कास्ट? हाँ, अगर उनसे शादी कराओगे तो भी कास्ट आएगी बीच में, आपकी और उनकी कास्ट अलग नहीं है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी तरह सुलझा हुआ लड़का है, आपके आपके इन रिलेशन आपका हो गया, उनके में नहीं होगा ऐसा। जहाँ तक मैं अपनी कास्ट में शादी नहीं होगा, अपनी कास्ट में शादी कराओ, अच्छा लड़का मिलेगा। अपनी कास्ट में आप भी अच्छे हो ना, तो अच्छों को अच्छे लोग मिल जाते हैं। नहीं मिलते अच्छे लोग, मुझे प्रकाश बहुत अच्छा लगा, मैं उसी से कराऊंगी अपनी बेटी की शादी। मुझे जबरदस्ती है, ये तो कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कर लेंगे। ऐसे क्या जबरदस्ती हो रही है? जबरदस्ती हो रही है यहाँ पे, तो लड़का अच्छा है, समझदार है, लड़का तो बहुत अच्छा है, तो उसमें पर जरूरी थोड़ी है कि आपकी लड़की के लिए ही बनाए वो। सपोर्ट करो, उल्टा उसको समझाओ। मैं तो नहीं करूंगी सपोर्ट, मेरे से तो हाथ जुड़वाओ, ठीक है? अगर बात करनी है तो जाके उनसे करो, मेरे से इस टॉपिक पे बात करने की जरूरत नहीं है। और आज के बाद ना घटिया हरकत कर मत देना, ठीक है? आप बड़े हो, आपकी इज्जत कर रही हूं मैं। जब भी कभी फोन करो ना मेरे से बात कर लिया करो। नॉर्मल बात करोगे मैं उठा लूंगी फोन, नॉर्मल, मुझे लाउड आवाज पसंद नहीं है। लाउड किसने बोला? लाउड तुम चिल्ला रही थी जब तुमने मेरा फोन नहीं उठाया,
तब मैं इस उस पे उतरी हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं बिजी भी हो सकता हूँ, गुस्सा आ रहा था। मैं बिजी भी हो सकती हूँ, मैं फ्री नहीं रहती हमेशा। फ्री नहीं रहती नॉर्मल बात हो ही नहीं रही आपसे, पता नहीं क्या कर रहे हो। जिसके ऊपर बीतती है ना उसी उसको पता होता है कि नॉर्मल करनी है अब नॉर्मल करनी है। उस इंसान से पूछो, मुझसे पूछो, क्योंकि मैं कितनी परेशानी में हूँ, मेरा दिमाग कितना टेंशन में है वो मैं ही जानती हूँ। आंटी आपकी एक लड़की है, एक लड़की है तो टेंशन कितनी। कोई ऐसा नहीं आपके 10-12 बच्चे हो और उनकी सबकी टेंशन है आपको। तो 10-12 की मिला के एक के साथ है, मेरी इतनी टेंशन है इतनी ज्यादा। आपकी लड़की ने तो उम्र उसको हो गया है, टेंशन मुझे है, उसके पापा अच्छे नहीं है, तो बताओ किसको टेंशन नहीं होगी ये बताओ मुझे, किसको बोलू जाके। एक तुम थी, तुम्हें बुलाती थी, या प्रकाश को, तुम तो नमस्ते कर रही हो मुझे, क्या आज के बाद आना नहीं। किससे उम्मीद रखेगा इंसान, ना मेरा इस दुनिया में कोई है जिसको मैं जाके बोलूं, ना पहले था ना आज है कोई। तो मतलब आप, अगर आपका दुनिया में कोई नहीं है तो आपको मैं ही मिली ना चिल्लाने के लिए, तो तुम चिल्लाने के लिए बोलने के लिए सब कुछ मुझे करोगे। जाओ ना अपनी बेटी को बोलो जाके, तो मेरे से क्या बोल रहे हो। क्यों नहीं उठाया, एक बार फोन उठा लेते तो ये परेशानी नहीं होती, ये इतनी बड़ी बात ही नहीं होती। आंटी देखो मेरी बात प्यार से सुनो, और आज के बाद ना मुझसे कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं, और ये आईडी ना बना मत लेना आज के बाद मेरे लिए और मेरे से बात करने के लिए, ठीक है। कभी कर रही है, पता है ना उनको क्या हुआ है, पता है कि नहीं तेरे को। जब तेरे को पता है उनको कैंसर हुआ तो क्यों मार रही है रे साला, तुम लोग ड्रामा बना रखे हो। जिसको जो मन कर रहा है वो कर रहा है, उनका जो मन कर रहा है वो कर रही है। क्यों मार रही है, क्यों क्यों मार रही है, ए तुम तो मुझे इधर इधर ध्यान दे, क्यों किया, क्यों किया। जब तेरे को पता है कि उनको क्या हुआ है, क्यों आए उनसे बात करने, उनसे पूछो ना। हमारे पास तू फोन नहीं करती, करती कि नहीं, ए उनसे पूछो ना क्यों आईडी बनाई, क्यों मिलने आई मेरे से ऐसे। क्या क्या आईडी बना के आई थी, क्यों बनाई आपने आईडी बताओ। इसको फोन कर रही हूं, मैंने इसको बोला है मैंने, आपको दिक्कत क्या है हम लोगों से यार, ये तो समझ में नहीं आता है। मैं तुमसे बात करना चाहती थी, ये तब हमारा नंबर नहीं आपके पास, तुमने फोन नहीं उठाया तभी तो इसको फोन किया मैंने। इनके लिए ज्यादा बुरा लग रहा है ना, जाओ करो इनकी बेटी से शादी, तुम जाओ। बोल रहे ना शांति से, राजा फचर फचर बोल मत हमेशा, लात की देवता हो गई है, लात की देवता हो गई है, बोल ना साले, मार के तुम लोग का मुंह में फाड़ देंगे हम। तुम्हें तो मेरी कही हुई सारी बातें बुरी लगती है ना, तुम लोग बात से समझ में नहीं आता है। शादी कर ली इनके बेटी से तो क्यों कर रही है वो ऐसी हरकतें, उनका दिमाग है। और घर में किसी के परेशानी आता है ना तो पूछ के नहीं आता है, अगर वो परेशान है तो उसमें हम लोग क्या गलती है। उनका उनसे प्यार से बात करने दे तो ऑलरेडी टूटी हुई है, बेटी को ब्रेन ट्यूमर हुआ है और माँ को कैंसर है, अब पति तो है ही नालायक, फिर भी तू इनको समझाना चाहिए। तो तू मोहन तो अगर हमारे जूता निकाल कर मुँह फाड़ दे तुम्हारा, हम साला तुम लोग का तमीज नहीं है बात करने का, तुम्हारी माँ की उम्र की ना है। प्यार से समझा चुकी हूँ मैं उनको, प्यार से समझा रही है, कुछ भी आगे लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुमको। मैंने कहा हाथ उठा, पूछ रहे कैसी हरकत है जी। आपसे रिक्वेस्ट है जो भी बात है ना आप हमसे कीजिए, हमारे टीम मेंबर को मत घसीटिए। मुझसे कही जा रही है बस कि मैं प्यार करती हूँ, मैं प्यार करती हूँ, मैं कहाँ प्यार करती हूँ तुमसे, समझाओ ना तो उनको। प्यार नहीं करती है ना हमसे, नहीं करती, नहीं करते ना, चल यहाँ से, रुको रुको, चल जा, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, रुक जाओ, जब प्यार नहीं करते चल यहाँ से, किसी के पचड़े में टांग मत अड़ाओ। तुम्हारा मैटर है ना, तुम खुद सुलझाओ, ठीक है। तो क्यों क्यों इनका बुलाने में, इनसे मेरा नंबर है ना तेरे पास, फोन नहीं कर सकती थी, मुझे नहीं पता है कि नहीं, मेरा नंबर सुनो तुम, क्यों नहीं हो, अरे अपनी अपनी जलाते हो, मेरे चिल्ला मत मेरे सामने, ठीक है ना। मैंने नहीं बुलाया, अभी भी उन्होंने बुलाया मेरे को, ये बुलाई तू बात कर रही है ना, लगो कितने देर से बात कर रही इनके साथ। तेरे पास मोबाइल था ना, जब तेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था तो तू हमको फोन लगा सकती थी, नहीं क्यों नहीं लगाई, काली चिल्लाना और मार रहा था ना तो मैं टोपुआ दबा देंगे, मर जाएगी तू, ठीक है ना, मेरे बीच में मत पड़ो। तो इनसे बोलो तुमसे ले रही है ना, तुम्हारे तक ही रहे, मेरे तक आने की कोई जरूरत नहीं। आंटी पैर छू रही हूं आपके, ठीक है, पैर पकड़ रही हूं मैं आपके, मेरे से कोई वास्ता मत रखो। आपको शादी करानी है ना अपनी बेटी की, इनसे बोलो इनके घर वालों से बात करो। मैं आपके पैरों में गिर के बोल रही हूँ, ठीक है, मेरे से कोई कॉन्टेक्ट मत रखना अब आप। तेरे को
पता है कि नहीं उनको क्या हुआ है, तो क्यों उनको परेशान कर रही है बार बार? अरे तेरा मार का मुंह फाड़ देगा मैं। हो गया ना बात, और कुछ बात नहीं करना। माता जी आप जाइए यहाँ से। प्रकाश बेटा घर में झगड़ा मत लगाइए, ऐसा ही साला बहुत परेशान रहते हैं। बेटा से बात कीजिएगा, बात कर दीजिएगा, जाइए। मेरी बेटी से शादी कर। बा के यार बेटी से शादी, शादी दूसरा कोई बात नहीं होता क्या आपके पास? मेरी बच्ची से शादी कर लो, उसको अपना लो। आपकी बेटी चाहती नहीं है किसी से शादी करना, उसको भी पढ़ना है, उसको पढ़ाइए ना आप। इधर आइए आप, समझिए ना। तू भी उठ, तू इधर खड़ी हो, तू इनसे प्यार से नहीं बात कर लेती तू? ओए प्यार से बात नहीं कर लेती? प्यार से ही कर रही थी इतनी देर से, खाली पीटने के लिए लग रही है तू। देखिए आपकी बेटी है माता जी, आपकी बेटी भी पढ़ाई करना चाहती है, आपके चक्कर में कितना इसको भी मार दिया ना। मत परेशान होइए आप लोग, भगवान जब दुख देते हैं ना तो सुख भी देते हैं, ठीक है ना? तो परेशान मत होइए तू, मत यहाँ चल, कुछ भी होता ना फोन करके बता हमको, फालतू में ज़्यादा दिमाग लगा लेती है तू। चलिए आप लोग।